सो आज हमारे पास दो बजट स्मार्ट वॉच है जिसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग भी देखने के लिए मिल जाएगा एंड ए 2 से 2.5 हज़ार के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि इसका जो लॉन्च प्राइस था वो 1999 रुपीज था, अभी फिलहाल थोड़ा सा प्राइस इसका इंक्रीज हो चुका है बट स्टिल ए आपको 2.5 हज़ार के अंदर मिल जाएगा। सो ए है नॉइस कलर फिट पल्स गो बज एंड ए है क्रॉस बीट इग्नाइट एंगेज। बजट रेंज में इन दोनों ही स्मार्ट वॉच मेरे को काफी अच्छा लगा। सो आज हम इन दोनों का साइड बाई साइड कंपेरिजन करने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग for the time, let's get started. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद बिल्ड क्वालिटी। तो मेरे राइट हैंड में नॉइस का स्मार्ट वॉच है एंड लेफ्ट हैंड में मेरे क्रॉसबीट का स्मार्ट वॉच है। दोनों का ही बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफी अच्छा लगा एंड दोनों का ही बॉडी जो है प्लास्टिक के बने हुए हैं। अगर वेट की बात करें तो नॉइस की जो स्मार्ट वॉच है थोड़ा सा ज्यादा वेट एज कम्पेयर टू क्रॉसबीट का स्मार्ट वॉच एंड क्रॉसबीट का स्मार्ट वॉच का स्ट्रैप से नॉइस का स्ट्रैप मेरे को थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेबल लगा एंड थोड़ा सा ज्यादा सॉलिड लगा। एक दिक्कत आपको नॉइस के स्मार्ट वॉच में देखने के लिए मिलेगी, वो है इसका स्ट्रैप तो रिमूवेबल है बट इसका स्ट्रैप रिमूव करना थोड़ा सा टफ है एंड ए वाला स्ट्रैप ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। सो आपको रिप्लेस करने में थोड़ा सा जो है दिक्कत देखने के लिए मिलेगा। नॉइस की स्मार्ट वॉच में आपको रेक्टेंगल शेप का सेंसर कटआउट देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर क्रॉसबीट के स्मार्ट वॉच में आपको सर्कुलर शेप का सेंसर कटआउट देखने के लिए मिलेगा। नॉइस का डिस्प्ले 1.69 इंच का है, जहां पर आपको क्रॉसबीट का डिस्प्ले 1.7 इंच का देखने के लिए मिलेगा बट दोनों में आपको कोई डिफरेंस नजर में नहीं आएगा। दोनों का ही देख सकते हो, नीचे की साइड जो है बेजल थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एंड ऊपर का बेजल थोड़ा सा कम है बट डिस्प्ले साइज ऑलमोस्ट आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे दोनों में ही। अदरवाइज अगर डिस्प्ले क्वालिटी का बात करें तो नॉइस का डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को थोड़ा सा जो है अच्छा लगा एंड एज वेल एज जो यूआई है दोनों में काफी सही यूआई दिया गया है बट मेरे को नॉइस का यूआई थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली एंड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा एज कम्पेयर टू क्रॉसबीट का यूआई। एंड एक चीज मैं बता दूं, ये वाला जो नॉइस का स्मार्ट वॉच है ये नॉइस का नॉइस फिट एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है बट इसका कोई प्रोप्राइटरी ऐप नहीं है, ये फिट से कनेक्ट होता है एंड इसका यूआई जो है वो भी कॉपीड है। आपको ज्यादातर फायरबोल्ट के सेम यूआई देखने के लिए मिलेंगे फायरबोल्ट के स्मार्ट वॉच में एंड सो इसलिए ये फिट एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है। इस वाली घड़ी की मदद से आप हार्ट रेट, SpO2 एंड स्ट्रेस मेजर कर सकते हो एंड इसके अलावा भी यहाँ पर ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड ऑल्सो स्लीप डेटा ट्रैक करने का भी ऑप्शन दिया गया है। सो ये सारी चीज यहाँ से आप कर सकते हो। इसके अलावा इसमें और एक चीज मेरे को जो अच्छे लगे वो है यहाँ पर आप स्टॉक्स भी देख सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आप वो सारी कंपनी ऐड कर सकते हो एंड इसका लाइव स्टॉक की अपडेट देख सकते हो। बाकी क्रॉसबीट का स्मार्ट वॉच से आप हार्ट रेट, SpO2 के अलावा भी यहाँ पर ब्लड प्रेशर भी मेजर कर सकते हो, जो कि एक एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर दिया गया है। एक कितना एक्यूरेट है मेरे को मालूम नहीं बट जो भी सेंसर एक्यूरेसी है हम थोड़ी देर में चेक करने वाले हैं दोनों ही स्मार्ट वॉच का। सो एक फीचर्स यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑल्सो एक बढ़िया चीज मेरे को यहाँ पर देखने के लिए मिला, यहाँ पर शॉर्टकट्स में आपको एक ब्लूटूथ कॉलिंग टर्न ऑन टर्न ऑफ करने का ऑप्शन दिया जाता है, जिसके मदद से आप ब्लूटूथ कॉलिंग को डायरेक्ट यहां से टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हो। ये वाला शॉर्टकट मेरे को काफी अच्छा लगा, जो कि नॉइस के स्मार्ट वॉच में ये वाला चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि काफी एक यूजफुल फीचर्स है एंड ये फीचर्स शॉर्टकट के तौर पे यहां पर होना चाहिए था बट यहां पर ब्लूटूथ कॉलिंग को टर्न ऑन टर्न ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं है शॉर्टकट। बाकी दोनों में आपको सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे यहां पर भी आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड देखने के लिए मिलेंगे एंड सेम यहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड देखने के लिए मिल जाएंगे। आप कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हो, कोई भी फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हो तो यहाँ से जाके चूज करके कर सकते हो एंड इसका एक्यूरेट डेटा भी दिखाता है दोनों ही स्मार्ट वॉच में एंड ऑल्सो दोनों ही स्मार्ट वॉच में आप स्लीप डेटा ट्रैक कर सकते हो यहाँ से, बशर्ते आपको घड़ी पहन के सोना पड़ेगा इसके लिए। एंड कैलकुलेटर एंड गेम जैसा फीचर्स दोनों ही स्मार्ट वॉच में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। दोस्तों अभी वो घड़ी आ चुका है जिससे हम घड़ी का एक्यूरेसी चेक करने वाले हैं, वो भी एक ऑक्सीमीटर के साथ, जो कि एक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीमीटर है एंड काफी एक्यूरेट रिजल्ट देता है ये वाला ऑक्सीमीटर। सो दोस्तों दो दो घड़ी तभी एक साथ पहना जाता है जब आपके पास टाइम की कमी हो। सो यहाँ पर हमने हार्ट रेट मेजर करने की कोशिश की, आप देख सकते हो दोनों ही स्मार्ट वॉच में। ये वाला है नॉइस का स्मार्ट वॉच जहाँ पर आपको 89 देखने के लिए मिल रहा है एंड यहाँ पर 83 है क्रॉसबीट का स्मार्ट वॉच में एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अभी का जो हार्ट रेट हो रहा है वो 91 है जो राइट साइड वाला है एंड यहाँ पर आप डेटा देख सकते हो काफ़ी क्लोज डेटा है, मैं तो एक्यूरेट नहीं कहूँगा बट काफ़ी क्लोज है, ये वाला काफ़ी क्लोज है 89 एंड यहाँ पर 91 हो रहा है। सो सेंसर ऑलमोस्ट एक्यूरेट काम करता है। सो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन मेजर करने की कोशिश की है तो अभी नॉइस के स्मार्ट वॉच में आप देख सकते हो 98%
ऑक्सीजन लेवल हो रहा है। यहाँ पर भी आपको 98% दिखा गया जो क्रॉसबीट का स्मार्ट वॉच है उसमें, एंड मेरा ऑक्सीमीटर में भी अभी 98% हो रहा है ऑक्सीजन लेवल। सो आप देख सकते हो काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट है, दोनों स्मार्ट वॉच एक्यूरेसी के मामले में काफ़ी अच्छा है। एंड और एक चीज़ में हमने नोटिस किया इस सेंसर में, अगर आप यहाँ पर हार्ट रेट मेजर करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की LED चलता हुआ दिखेगा जो कि नॉइस की स्मार्ट वॉच है उसमें, एंड अगर आप ऑक्सीजन लेवल मेजर करोगे तो यहाँ पर आपको रेड कलर की LED जलता हुआ दिखेगा। सो यहाँ पर हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन लेवल के लिए दो दो अलग अलग LED यूज किया गया है। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर देखोगे आप, सेम यहाँ पर हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन लेवल मेजर करने के लिए सेम LED का यूज़ किया जाता है जो कि है ग्रीन कलर के LED। मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आपको दिखेगा ग्रीन कलर के LED जलता हुआ। यहाँ पर सिंगल LED से हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन लेवल भी मेजर किया जाता है, बट यहाँ पर दो LED दिया गया है। सो मेरे ख्याल से अगर एक्यूरेसी की बात करें तो नॉइस के स्मार्ट वॉच में आपको एक्यूरेसी थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा, अदरवाइज नॉर्मली दोनों ही स्मार्ट वॉच में काफ़ी एक्यूरेट डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड और एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया क्रॉसबीट के स्मार्ट वॉच में जो कि है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, आई डोंट नो कितना एक्यूरेट है, सो हम अभी इसका टेस्ट भी कर लेंगे। सो यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ गया है, आप देख सकते हो 136/74, आई डोंट थिंक दिस इज एक्यूरेट क्योंकि मेरा हाई रहता है नीचे वाला अभी। सो 136/76 मेरे लिए तो एक्यूरेट नहीं है, अदरवाइज ऐसे विदाउट क्रिएटिंग प्रेशर ब्लड प्रेशर मेजर कैसे कर रहा है मेरे को ये वाला स्मार्ट वॉच समझ में नहीं आ रहा है। शायद हार्ट रेट से कुछ कैलकुलेशन करके ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे, बट दिस रिजल्ट इज नॉट एक्यूरेट, सो इसके भरोसे मत रहना आप। बाकी आप नॉइस के स्मार्ट वॉच से यहाँ पर स्ट्रेस भी मेजर कर सकते हो जो कि ऑल्सो हार्ट रेट से ही कैलकुलेट होते हैं। ये कितना इफेक्टिव और एक्यूरेट है आई डोंट नो, बट स्टिल इस वाले फीचर से आप अपना स्ट्रेस लेवल चेक कर सकते हो। सो मैं अभी कॉलिंग फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो नॉइस के स्मार्ट वॉच में नॉइस बाज सेक्शन में आपको कॉलिंग फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से आपको डायल पैड कॉन्टैक्ट्स एंड कॉल हिस्ट्री देखने के लिए मिल जाएगा। डायल पैड से आप किसी को भी डायल कर सकते हो एंड कॉन्टैक्ट्स में जो भी कॉन्टैक्ट आप फोन के ऐप के थ्रू सेव करके रखोगे वो सारे कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, एंड कॉल हिस्ट्री से आप रिसेंट कॉल्स देख सकते हो। सो मैं इसका स्पीकर का भी साउंड आपको सुना देता हूँ, एंड कॉल करते टाइम यहाँ पर आपको डिस्कनेक्ट म्यूट एंड वॉल्यूम चेंज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, बट स्विचिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी देख सकते हो जो भी साउंड आ रहा है ये घड़ी से आ रहा है, एंड यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा एंड काफ़ी लाउड एंड काफ़ी अच्छे साउंड यहाँ पर आपको सुनने के लिए मिलेगा। सो अभी मैं क्रॉसबीट का भी कॉलिंग फीचर्स आपको दिखा देता हूँ। सिमिलरली क्रॉसबीट का वॉच में भी आपको फोन कॉल सेक्शन में एक कॉलिंग फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ से आप कॉल हिस्ट्री डायल पैड और कॉन्टैक्ट्स देखने के लिए मिलेगा। सेम चीज़ है यहाँ पर, कॉल हिस्ट्री में आप रिसेंट कॉल देख सकते हो, डायल पैड में आप किसी को भी डायल कर सकते हो एंड कॉन्टैक्ट्स में जो भी कॉन्टैक्ट्स आप ऐप के थ्रू सेव करके रखोगे उस वाले कॉन्टैक्ट को आप यहाँ से देख सकते हो। सो मैं डायल करके इसका भी साउंड आपको सुना देता हूँ, तो आप देख सकते हो सेम ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलता है। आपको वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर डिस्कनेक्ट एंड म्यूट करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अगेन यहाँ पर भी आपको कॉल स्विचिंग का कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। स्पीकर काफ़ी लाउड है, आपको अच्छे खासे साउंड यहाँ से भी सुनाई देगा, बट नॉइस का जो स्पीकर है वो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। एंड दोनों ही स्मार्ट वॉच में कॉल को स्विच करने का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको कॉल को स्विच करना है तो आपको मैन्युअली यहाँ से फ़ोन से जाके स्विच करना होगा। ओके, एंड एक बार अगर आपने स्विच कर लिया तो फिर इसको स्विच करके आप घड़ी में नहीं डाल सकते हो। बट क्रॉसबीट का स्मार्ट वॉच में एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा कि आप कभी भी कॉल स्विच करके अपने स्पीकर में या फिर घड़ी में डाल सकते हो, जैसे देख सकते हो अभी ये घड़ी से हो रहा है एंड मैं स्विच करके स्पीकर में भी डाल सकता हूँ एंड मैं लाउड स्पीकर को भी बंद करके सिर्फ फोन के स्पीकर से चला सकता हूँ एंड स्टिल अगेन यहाँ से भी मैं स्विच करके घड़ी में भी इसको डाल सकता हूँ, देख सकते हो घड़ी में प्ले हो रहा है अभी। सो ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा जो कि नॉइस का स्मार्ट वॉच में ये फैसिलिटी नहीं मिलता है, अगर आपने एक बार स्विच कर लिया तो दूसरे बार आप घड़ी में नहीं डाल सकते कॉल को, लेकिन क्रॉसबीट के स्मार्ट वॉच में आप ऐसा कर सकते हो। सो अगर म्यूजिक कंट्रोल की बात करें तो क्रॉसबीट का स्मार्ट वॉच में आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो, आप देख सकते हो जो अभी म्यूजिक बज रहा है ये स्पीकर से बज रहा है, घड़ी के स्पीकर से बज रहा है एंड इसको आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो एंड इसको प्रीवियस एंड नेक्स्ट ट्रैक भी आप प्ले कर सकते हो यहाँ से।
बट यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल का कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। बट नॉइस के स्मार्ट वॉच से आप म्यूजिक प्ले पॉज कर सकते हो एंड ऑल्सो प्रीवियस ट्रैक एंड नेक्स्ट ट्रैक में भी जा सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बट जो साउंड प्ले होता है ये आपके फोन में प्ले होता है, आपके घड़ी में कोई साउंड नहीं प्ले होता है, आप जस्ट घड़ी से कंट्रोल कर सकते हो। सो घड़ी से साउंड प्ले करने का कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया गया नहीं है, जहाँ पर आप क्रॉसबीट के स्मार्ट वॉच में घड़ी से साउंड को प्ले कर सकते हो, कोई भी गाना प्ले कर सकते हो। हालांकि नॉइस के स्मार्ट वॉच में आप क्विक रिप्लाइज भी भेज सकते हो, ये फीचर आपको क्रॉसबीट के स्मार्ट वॉच में नहीं देखने के लिए मिलता है। सो लुक्स एंड डिजाइन एंड यूआई का ग्राफिक्स वाइज मेरे को नॉइस के स्मार्ट वॉच अच्छा लगा एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस वाइज भी मेरे को काफी अच्छा लगा। एंड बैटरी बैकअप मेरे को दोनों में सेम देखने के लिए मिला एंड काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। 6 से 7 दिन आपको विदाउट कॉलिंग चल जाएगा एंड कॉलिंग के साथ आप 4 से 5 दिन आराम से चला सकते हो। सो एक मिड रेंज बजट स्मार्ट वॉच के लिए इतना बैटरी बैकअप काफी मायने रखता है एंड काफी अच्छा यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप के लिए मिल जाएगा दोनों ही स्मार्ट वॉच से। कुछ कुछ क्रॉसबीट का स्मार्ट वॉच में फीचर्स है जो सही से काम नहीं करता, जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ये देना नहीं चाहिए था अगर आपके पास इसकी एक्यूरेसी नहीं है तो। बट कुछ फीचर्स ऐसे भी है जो नॉइस के स्मार्ट वॉच में होना चाहिए था, दैट इज अ नेसेसरी फीचर्स, व्हिच इज ब्लूटूथ कॉलिंग को टर्न ऑफ करना, एक शॉर्टकट होना चाहिए था वॉच में। क्योंकि जब आप ड्राइविंग करते हो तो अगर आप कार में ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखे हो एंड सेम टाइम आप नॉइस के स्मार्ट वॉच में भी ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखे हो तो बाय डिफॉल्ट जो कॉल है आपका नॉइस के स्मार्ट वॉच में आएगा, आप उसे स्विच नहीं कर पाओगे जब आप ड्राइविंग कर रहे हो। एंड स्विच करना एंड कॉल को बंद करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज देन आपको फोन में जाना होगा एंड इसे मैनुअली बंद करना पड़ेगा या फिर ब्लूटूथ बंद करना पड़ेगा, जिसमें आपका कार भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एंड ऑल्सो दोनों ही स्मार्ट वॉच में एक कॉल स्विचिंग का भी शॉर्टकट देना चाहिए था, ताकि आप कभी भी स्विच करके फोन का स्पीकर में स्विच कर सकते हो विदाउट टचिंग योर फोन। सो ये छोटे छोटे चीजें मेरे को मिसिंग लगे दोनों स्मार्ट वॉच में। बोथ द स्मार्ट वॉच आर गुड इन दिस बजट रेंज, इससे अच्छा और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस बजट रेंज। सो मैं तो कहूंगा दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, बट इन माई प्रेफरेंस आई वुड लाइक टू गो फॉर नॉइस रादर देन क्रॉसबीट। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कोई भी डाउट रहे, सवाल रहे, सजेशन रहे, यू कैन राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।